तो गाइस डीसी के हालत करंटली सर्कस वालों से तो कम नहीं है। लाइक लिटरली हर दिन इनके कुछ ना कुछ कारनामे भाई देखने मिल ही जाते हैं। लाइक कभी मूवी फ्लॉप हो गई, एक्टर्स ने कैमियो करने से मना कर दिया, किसी ने किसी का रोल काट दिया, मतलब भाई यहाँ कुछ भी चल रहा है जो कि बोथ कैरेक्टर्स और ओवरऑल डीसी फ्रेंचाइज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो आज डीसी के कुछ ऐसे ही रिसेंट खबरों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको डीसी के करंट स्टेट का एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। सो गाइस पहले तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स बॉक्स ऑफिस में अब ऑफिशियली फ्लॉप हो चुकी है। लाइक मंडे को जो इसका कलेक्शन हुआ था वो पूरे डीसीईयू का सबसे लोएस्ट था, जो कि डेफिनेटली सैड है यार। लाइक मूवी के जो डायरेक्टर भी हैं डेविड सैंडबर्ग ने ये एडमिट किया है कि वो ऐसे भी कोई माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इतने भी बुरे रिजल्ट्स देख के वो भी सरप्राइज्ड हैं। लाइक गाइस आप बिलीव करोगे कि लिटरली मॉर्बियस ने भी शज़ाम 2 से बेटर परफॉर्म किया था, और इससे अनफेयर लिटरली क्या ही हो सकता है पूरे दुनिया में। बिकॉज ऑनेस्टली गाइस मूवी सही में अच्छी थी, बट अब बात रही इसके फेलियर के पीछे एक्चुअली में रीजंस क्या है। तो गाइस सीधी बात, इस मूवी को लेके कभी एनफ हाइप जनरेट ही नहीं हो पाई, जिसका रिस्पांसिबल ऑब्वियसली हमारे डीसी वाले तो हैं ही, कैसे बताऊंगा, बट मे बी हमारे रॉक चाचा भी कहीं ना कहीं शज़ाम 2 के फेलियर के लिए रिस्पांसिबल हैं। लाइक गाइस रिसेंटली ये जानने मिला है कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में ओरिजिनली जस्टिस सोसाइटी का ही एक कैमियो होने वाला था, जिसमें हमें हॉकमैन और कुछ दूसरे मेंबर्स देखने मिलते और वो खुद ही शज़ाम को अपने टीम में रिक्रूट करते। इवन मे बी ब्लैक एडम का भी अपीयरेंस देखने मिलता, बट गाइस गेस व्हाट, हमारे द रॉक ने ये कुछ भी होने ही नहीं दिया, जिसके लिए लास्ट मिनट में सारे चेंजेस करने पड़े। और इतना ही नहीं भाई, इवन ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम में भी शज़ाम का एक कैमियो होने वाला था, जो कि ऑब्वियसली फ्यूचर में शज़ाम वर्सेस ब्लैक एडम को सेटअप करता। बट गाइस गेस व्हाट, यहाँ पे भी द रॉक ने कुछ अलाउ ही नहीं किया। और अगर आप सोचोगे कि द रॉक ने ये सब क्यों किया, तो गाइस बेसिकली ये जानने मिला है कि द रॉक डीसीईयू को रीस्ट्रक्चर करके उनके ब्लैक एडम और हेनरी कैविल के सुपर मैन को ही डीसीईयू का ओनली सेंटर पॉइंट बनाना चाहते थे, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो हाउ दैट वेंट। सो यहां पे लग रहा है कि शायद द रॉक ने डीसी पे अपना ग्रज निकाला है, और इवन इन स्टेटमेंट्स को खुद जैकरी लिबाई ने भी सपोर्ट किया है। सो गाइस चाहे थिएटर में तो हमें ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम नहीं देखने मिला, बट शायद रियल लाइफ में जल्द ही देखने मिल सकता है। लाइक पक्की सी बात है यार कि अगर उस शज़ाम वर्सेस ब्लैक एडम का पॉसिबिलिटी पहले से ही होता तो शज़ाम 2 को डेफिनेटली और लोग देखने जाते, जैसे कि लोग मॉर्बियस को स्पाइडरमैन को देखने गए थे, बट घंटा कोई नहीं मिला। बट यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी को द रॉक ने पहले से ही मार दिया, सो अब क्या ही करें। देन एक और बड़ा रीजन डीसी का रिबूट भी है। लाइक गाइस ऑडियंस को ऑब्वियसली पता है कि इनका यूनिवर्स तो पूरी तरह से रिबूट होने वाला है, सो इनके कैरेक्टर्स के फ्यूचर का कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो ऑडियंस के पास ऐसा कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि वो उनकी मूवीज को थिएटर्स में देखने जाएं, एंड मे बी यही एग्जैक्ट सिनेरियो हमें एक्वामैन 2 और ब्लू बीटल के टाइम भी देखने मिले। सो गाइस ये रिबूट का डिसीजन मे बी आगे जाके डीसीयू के लिए सही साबित हो सकता है। लाइक जेम्स गन और पीटर सैफरन पे भरोसा तो है ही, बट करेंटली इस रिबूट का इफेक्ट उनके दूसरे मूवीज पे पड़ रहा है, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से। और रिबूट पे बात आ ही गई है, तो गाइस रिसेंटली जो सुनने मिला था ना कि बेन अफ्लेक न्यू डीसीयू में कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि खुद जेम्स गन ने भी कहा था, तो रिसेंटली खुद बेन अफ्लेक ने सीधा बोल दिया है कि वो जेम्स गन के डीसीयू के लिए लिटरली कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं करना चाहते। लाइक बेसिकली उन्होंने सीधा ही बोल दिया है कि उनका जेम्स गन के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स तो नहीं है, बट वो जिस हिसाब से काम करते हैं उसमें वो ना कि इंटरेस्टेड है ना उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड यहाँ भाई किसकी बात माने इंसान, एक तरफ जेम्स गन कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ बेन अफ्लेक कुछ बोल रहे हैं, एक तरफ ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम थिएटर के बदले रियल लाइफ में देखने मिल रहा है। मतलब भाई डीसीयू में कंटेंट किसी ना किसी तरह से मिल ही जाता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। सो हाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और इस वीडियो में 20 लाइक्स का टारगेट रखते हैं तो प्लीज पूरा कर देना। और डीसी के करंट स्टेट के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं प्लीज कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और स्पाइडरमैन 4 कैसी होनी चाहिए वो अगर जानना चाहते हैं तो गाइस साइड वाले वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।